राजस्थान के उत्तर पश्चिम में स्थित है बीकानेर। 27,244 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस जिले का ज्यादातर भाग पहले बीकानेर रियासत का हिस्सा था। चूरू, नागौर, श्रीगंगानगर व जैसलमेर जिलों की सीमाओं से घिरे इस जिले की सीमा पाकिस्तान से भी मिलती है। बीकानेर की स्थापना राव बीकाजी ने की थी। जोधपुर के महाराजा राव जोधा के पुत्र बीकाजी ने अपने बाहुबल से जो भूमि अर्जित की उसी पर 3 अप्रैल 1488 को नींव पड़ी थी एक स्वतंत्र राज्य की, जो अब बीकानेर के नाम से पहचाना जाता है। राव बीका का यही शहर बीकानेर अपने ऐतिहासिक व सांस्कृतिक महत्व के कारण पूरी दुनिया में पहचाना जाता है। विशिष्ट भौगोलिकता वाले बीकानेर में लाल पत्थर के भव्य राजप्रासाद भी हैं तो हवेलियां भी हैं। राज्य अभिलेखागार, म्यूजियम, अनुपम संस्कृत पुस्तकालय और टेसीतोरी की कर्मस्थली होने के कारण बीकानेर इतिहास और संस्कृति के क्षेत्र में अपना अनूठा स्थान रखता है। मरुस्थल की गोद में बसे इसी बीकानेर को नया रूप दिया था महाराजा गंगा सिंह ने। प्राचीन अभिलेखों में जांगल प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाले इस क्षेत्र की राजधानी पहले क्षत्रियपुर थी। आजादी के बाद राजस्थान का पुनर्गठन हुआ तो बीकानेर बृहद राजस्थान संघ का हिस्सा बन गया। बाद में बीकानेर को खास अहमियत दी गई जिले के रूप में। मरुस्थल की गोद में बसे बीकानेर की पहचान यहाँ के ऊँटों के कारण भी होती है। रेगिस्तान का जहाज कहे जाने वाले बीकानेरी ऊँट परिवहन क्षमता के लिए प्रसिद्ध हैं। पर्यटकों को कैमल सफारी और राजप्रासादों के कारण आकर्षित करने वाले बीकानेर शहर की दास्तान जूनागढ़ के जिक्र के बिना अधूरी है। शहर के हृदय स्थल कोटगेट से थोड़ी ही दूरी पर स्थित जूनागढ़ 500 साल से भी ज्यादा पुरानी स्थापत्य कला का एक ऐसा उदाहरण है जिसे देखते ही हर कोई मंत्रमुग्ध हो जाता है। 1000 गज से ज्यादा की परिधि में फैले इस किले का निर्माण राजा राय सिंह ने अपने शासनकाल में कराया था। 1588 में इस किले के निर्माण की शुरुआत हुई, जिसे पूरा करने और आकर्षक बनाने में राजा राय सिंह के उत्तराधिकारियों ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। चतुर्भुज आकार में बना यह किला दरअसल जमीन का जेवर है। जमीन पर चट्टान की तरह खड़े इस किले का निर्माण कुछ इस तरह कराया गया कि दुश्मन सुरक्षा को नहीं भेद सके। खाई के बाद बनी विशाल प्राचीरें किले की रक्षा के लिए किए गए इंतजामों का खुलासा करती हैं, तो किले के भीतर स्थित विभिन्न स्थल लाल पत्थरों में रचे गए सौंदर्य को बयान करते हैं। फूल महल, बादल महल, चंद्र महल और गज मंदिर तत्कालीन शासकों के कला प्रेम का इजहार करते हैं, तो यहाँ रखे गए सामान राजसी वैभव का एहसास कराते हैं। यहाँ स्थित शस्त्रागार और मंदिरों की तो अपनी अलग कहानी है ही, बीकानेर के शासकों की अपनी दास्तान है। कला, संस्कृति और भाषा साहित्य के धनी बीकानेर का लक्ष्मी निवास म्यूजियम हो चाहे शार्दूल म्यूजियम, हर संग्रहालय को देख सैलानी को साफ एहसास हो जाता है कि बीकानेर सिर्फ अपनी जीवटता, शिल्प और प्राकृतिक वैविध्य के कारण ही आकर्षण का केंद्र नहीं, कला और संस्कृति ने भी बीकानेर को समृद्धता प्रदान की है। मौका अगर लालगढ़ पैलेस को देखने का मिले तो हर आगंतुक लाल पत्थरों से बीकानेर में रचे गए इस सौंदर्य शास्त्र को समझने की कोशिश किए बिना नहीं रहता। यह शिल्प कला प्रेमियों को भी लुभाते हैं तो सैलानियों को भी सात समंदर पार से आमंत्रित करता प्रतीत होता है। बीकानेर यात्रा का सपना साकार होता देख सैलानी बीकानेर की इस कला दीर्घा को ही नहीं, गजनेर के उन महलों को भी करीब से देखना चाहते हैं जो कभी राजा महाराजाओं और उनके करीबी लोगों के आखेट स्थल के रूप में प्रसिद्ध थे। मरुप्रदेश का नैसर्गिक दृश्य दरअसल गजनेर में ही देखने को मिलता है। यहाँ स्थित झील, महल, वन और वन्य जीव जहाँ सैलानियों का मन मोह लेते हैं, वहीं अप्रवासी पक्षियों का कर्णप्रिय कलरव भी आगंतुक का ध्यान खींचे बिना नहीं रहता। इस आकर्षण का ही असर है कि बीकानेर अब पर्यटन के नक्शे पर अपनी अलग जगह बना रहा है। गजनेर में अप्रवासी पक्षी ध्यान बांटते हैं तो शक्ति आराधकों के प्रिय आराधना स्थल देशनोक में काबा कहे जाने वाले सफेद चूहे ध्यान आकर्षित करते हैं। अपनी स्थापत्य कला और आस्था के कारण पहचाने जाने वाले देशनोक की पहचान इस अजूबे के कारण भी है कि यहाँ चूहे प्लेग की बीमारी का भय नहीं दिखाते बल्कि उन्हें देख आस्थावानों के शीश झुक जाते हैं। चारणों की कुलदेवी करणी माता के इस मंदिर में बीकानेर ही नहीं राजस्थान और आसपास से बड़ी संख्या में श्रद्धालु शीश नवाने आते हैं। नवरात्रों में तो श्रद्धालुओं की ये भीड़ देखते ही बनती है।
बीकानेर में देशनोक चारण जाति का आराध्य धाम है, तो मुकाम विष्णुई संप्रदाय का आराधना स्थल है। नोखा तहसील में स्थित इसी मुकाम से गुरु जम्बेश्वर की तपगाथा जुड़ी हुई है। दुनिया को वन और वन्य जीवों की रक्षा का संदेश देने वाले मुकाम से विष्णुई संप्रदाय की आस्थाएं कुछ इस तरह जुड़ी हैं कि राजस्थान ही नहीं हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश तक से श्रद्धालु अपनी श्रद्धा का इजहार करने यहाँ चले आते हैं। भारत में ऊँटों की संख्या करीब 11 लाख है और उसमें से 70% ऊँट अकेले राजस्थान में है। राजस्थान में प्राणी सबसे ज्यादा कहीं है तो वो है कभी जंगल प्रदेश के रूप में पहचाने जाने वाले बीकानेर में। स्वभाव से धैर्यवान और सहनशील ऊँट दरअसल बीकानेर की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार रहा है। बीकानेरी प्रजाति के ऊँटों ही नहीं, मरुस्थलीय क्षेत्र में ऊँट के महत्व को उजागर करने और उसकी जानकारी राष्ट्रीय स्तर पर देने के लिए ही बीकानेर में स्थापित किया गया है राष्ट्रीय उष्ट्र अनुसंधान केंद्र। इस केंद्र की स्थापना से जहाँ ऊँटों की उत्पत्ति के विकास की लंबी यात्रा के पृष्ठ खुले, वहीं इस पशु पर वैज्ञानिक शोध की शुरुआत भी हुई। अब यही केंद्र कम चारा पानी खा पी कर मरुस्थल के अबूझ रास्तों को अपने लंबे डग से नापने वाले ऊँट पर अनुसंधान और उनकी प्रजातियों को बचाने का जरिया बना हुआ है। ऊँट तो बीकानेर जिले के ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है ही, भेड़ पालन और उससे मिलने वाली ऊन भी ग्रामीणों की आर्थिक स्थिति को मजबूती देने में अहम भूमिका अदा की है। ग्रामीण कृषि व पशुपालन के जरिए अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, वहीं शहरी लोगों को बीकानेर के पापड़ और भुजिया उद्योग ने रोजगार मुहैया कराया है। बीकानेर के अधिकांश घरों में फल फूल रहे पापड़ भुजिया उद्योग ने निर्यात के क्षेत्र में भी अपनी अलग संभावनाएं पैदा की हैं। नतीजतन कुछ सालों पहले तक यहीं तक सीमित रहे कई व्यवसायी अब बहुराष्ट्रीय कंपनियों तक से मुकाबले की तैयारी में हैं।